आपकी फर्स्ट कैनेडियन इमिग्रेशन एप्लीकेशन आपके लिए सबसे क्रूशल सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है. मेकिंग एनी मिस्टेक इन दैट एप्लीकेशन मे क्रिएट फर्दर ट्रबल फॉर यू. आई एम गोइंग टू शेयर मेनी टिप्स रिलेटेड टू योर फर्स्ट कैनेडियन वीजा एप्लीकेशन विच कैन मेक योर लाइफ बेटर इन योर फ्यूचर एप्लीकेशन. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल द इमिग्रेशन गुरु. दिस इज जितेंद्र ग्रोवर, रिसर्च स्कॉलर एटीएस मॉन्ट्रियल कनाडा. टू अप्लाई विद मी यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9812380882. इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू योर फर्स्ट कैनेडियन स्टडी वीजा एप्लीकेशन. मेरे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आती है जिनका पहले रिफ्यूजल होता है और रिफ्यूजल के बाद वो रिफ्यूजल किसी भी एप्लीकेशन में हो सकता है. मोस्टली विजिटर वीजा का एप्लीकेशन लगाते हैं, वो रिफ्यूजल होता है. इन यंग एज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवॉइड अप्लाइंग फॉर विजिटर वीजा बिकॉज विजिटर वीजा सक्सेस रेट फॉर यंग स्टूडेंट्स जो आप बिलो एज 35 या बिलो एज 30 है दैट इज रियली रियली लो एटलीस्ट इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल. तो दे डो नॉट कंसिडर यू एज ए विजिटर इन कैनेडा. वहां घूमने के लिए जनरली कोई नहीं जाता है. So they know ki you are not going to return back. So prospect of returning home are really big if you are really young. In that case, you may not get visitor visa. So first of all, you can avoid applying for visitor visa. I have seen many people applying for multiple visitor visas. Ek bar refusal, do bar refusal, teen bar refusal, and keep getting refusal. And that doesn't make any sense. You are just getting refusals. And later on, whenever you are going to apply for any other application, it is going to be a red flag for visa officer. So, वो करने की जरूरत नहीं है. If you know that there are rare acceptances for such applications, तो डालने की ही जरूरत नहीं है. You should follow a straight path, which may be study visa application. That is a right path, correct path for you. Third application, temporary residence की होती है. वो बहुत कम होती है. That is LMIA. Usually, वो यहाँ से apply ही नहीं होता है. Mostly, तो fraud ही होते हैं यहाँ पे. And those frauds ultimately do not file any application for you because 2-3 lakh mein kisi ko LMIA milta nahi. I am going to make separate video about that. Maine pehle bhi ek full fledged video banayi thi, ek dobara banaunga. But major applications jo mujhe milti hai refusal wali, those are either study visa applications or visitor visa application. In dono applications ke andar aap jo bhi apne details submit kar dete hain, you cannot change those details, official details later on. SOP में आप जो भी लिखते हैं उसको सारा का सारा बदल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दिस इज वन मोर टिप. SOP में कुछ भी लिखो, वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, यू कैन चेंज द एंटायर SOP, एंटायर डॉक्यूमेंट. चाहे स्टडी वीजा एप्लीकेशन में पहले आपने कहा था कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, अब आप बोल रहे हो कि मुझे जॉब करनी है, इट डजंट मैटर. आप क्योंकि पुराने रिकॉर्ड जो है SOP के वो आपके रिकॉर्ड्स में नहीं रहते हैं. दैट इज नॉट एन ऑफिशियल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है. But whatever you submit in your immigration forms, that is really crucial. जैसे आपने पहले बोला था कि मैंने 12th की हुई है, and 12th was in 2012, and now you want to submit application. अभी आपको पता चला है कि 9 years का study gap हो गया after 12th, and it is really hard to get visa after 9 years of study gap. लेकिन आप तो application लगा चुके हैं. How you are going to change that application? अभी जो कुछ आपने submit किया, you cannot change those facts. आपने जो अभी तक किया है, उसको नहीं बदल सकते. आने वाले फ्यूचर के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, नया कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आप फैक्ट सबमिट कर चुके हैं दैट कैन नॉट बी चेंज. सम पीपल डू नॉट शो एनी करियर. सो इफ यू आर नॉट शोइंग एनी करियर, सपोज यू शो दैट योर वाइफ, सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर स्पाउस वीजा एंड यू शो दैट योर वाइफ इज अ हाउस वाइफ सिंस 2008, ओके आज तक हाउस वाइफ ही है. सो इन दैट केस यू कैन नॉट चेंज इट स्ट्रेट अवे राइट नाउ. आपने लिखा है वहां से current job profession is nothing, it is housewife, that's it, she is not doing anything. Later on, if you need to claim that she is working or she was earlier working, you cannot do it. It may lead to misrepresentation, so that may create problem for you. In study visa application, if you didn't show that you were working earlier, now if you want to cover up the gap by showing some job earlier or some kind of profession earlier, you cannot do it. Because it can also lead to misrepresentation. So in that case, जो आपकी first application होती है, वो बहुत crucial application होती है. I have seen many people taking it very casually. मेरे को हर रोज 2-3-4-5 call ऐसे होते हैं जो refusal वाले cases के होते हैं, and I find they have some kind of problem with your whatever they have shared with visa officer, either with the education or with the experience.
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और आपने जो सबमिट कर दिया उसको बदल नहीं सकते. टुडे ऑल्सो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम समवन हु हैव शेयर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एन आईटी कंपनी. हाउ डज इट मेक सेंस? तो वहां पे वीजा ऑफिसर दे गेट टू नो, मतलब वो नकल भी अकल से होती है. इट इज लाइक दैट दे गेट टू नो अबाउट इट, दे हैव अ सेंस ऑफ इट कि आप यहाँ पे फेक कुछ भी बना सकते हैं. इवन इफ यू आर मेकिंग समथिंग फेक, कुछ भी आप बना रहे हैं, स्टिल इट मस्ट लुक लाइक जेन्युइन, क्योंकि वहां पेपर ही जाने वाले हैं, पेपर ही बात करने वाले हैं. यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी इंटरव्यू देयर एंड यू आर नॉट गोइंग टू प्रेजेंट यूर केस देयर. योर डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू प्रेजेंट यूर केस देयर. And if your documents are not genuine, then in that case, it is not going to help you in any case. So, वो genuine नहीं भी है, तो genuine लगने चाहिए. And if they are genuine, that is the best thing. Okay? And then the presentation of document is also really important. So, whatever you are doing in your first application is really, really crucial. I have seen many people, I guess someone pinged me on YouTube and said that मेरे agent जो है, वो SOP लगाना भूल गया. Good. बहुत अच्छा है. सो इफ यू आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ ब्लंडर्स, सम पीपल हु ऑलरेडी हैव सम स्टडी गैप, और ट्वेल्थ और बैचलर्स के बीच में स्टडी गैप है. ट्वेल्थ के बाद आपका कुछ गैप था, फिर आपने बैचलर स्टार्ट की. यू डिडंट शो एनीथिंग फॉर दैट. वीजा ऑफिसर फाइंड इट और उसको एक रीजन मिल गया वहां रिफ्यूज करने का. नाउ यू आर गॉन. एक रीजन ही चाहिए रिफ्यूजल के लिए. इस टाइम द नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैनेडियन इमिग्रेशन हैज, दे हैव 1.8 मिलियन एप्लीकेशन पेंडिंग है जो उनके पास. इतनी 18 लाख एप्लीकेशन है, जिसमें से 8 लाख टेम्परेरी रेजिडेंस की एप्लीकेशन है एंड 6 लाख पीआर एप्लीकेशन है. 4 लाख एक साल की कैपेसिटी है कनाडा की. 14 लाख ऑलरेडी उनके पास एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है एक इनटेक के लिए, मतलब जैन में जाने वाले लोग हैं, मई में जाने वाले लोग हैं. इतनी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है. क्या सबको वीजा मिलेगा? नहीं मिलेगा. उसके बाद देन ओवर एंड अबव यू आर गिविंग देम रीजन टू गिव रिफ्यूजल, फिर तो वीजा पक्का ही नहीं आने वाला है. सो your first application is really crucial, and if you make any blunders, any mistakes in your previous applications, you do not leave anything for me or any new agent to change anything or to make any modifications, positive modifications in your profile to make your profile better. So in that case, always choose your consultant really carefully and always apply. Do not take your application casually. Many times it is just like I have seen people sharing that first time mein nahi aayega to we'll see second time. In Canada now it is not happening. Getting second time visa in second and third time is getting tougher because people are going in refusal loops. So this is not highly recommended right now to play with your application, any application. Just try to get your visa in the first application and try to make a really clean profile before filing for your visa. Whether it is related to experience, whether it is related to education, whether it is related to whatever, the finances you want to show, whatever it is. So do not make any weak profile, do not leave anything. I have seen people saying that in SDS funds are not mandatory. Yes, I understand funds are not mandatory in SDS, but if you are not applying with funds and visa officer wants to see whether you have good enough financial capacity or not, in that case, you can get refusal based on finances as well. It is possible. I have seen caps notes where it is clearly written that funds are not enough. Maine dekha hai aisa. So I have made a video about that earlier as well. So even though rule is something else, norms are something else. So you need to know norms as well. Sometimes to make you comfortable, agents can say that go for a particular program. Okay, theek hai, aapko companies mein jana hai. Theek hai, yahan chale jao. And you will also go with that. And you may not get visa later on. Both of you will be in trouble. So, किसी को भी अच्छा नहीं लगता refusal. In that case, going for a right program, even if you need to pay higher fees, is perfectly fine. So, first application के अंदर choose a right program, choose a right university, right campus, and go for the perfect application possible. उसके बाद refusal आता है, it's fine. मतलब everything is not in our hand. But at least whatever can be done positive, must be done. पहली application में experiment मत करो. Do not show wrong experience. जिससे दिखता है कोई प्रोग्रेशन नहीं दिखता है. इफ यू आर सेइंग दैट आई वाज इन एग्रीकल्चर सिंस 2012, अब कौन से मतलब क्या प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करोगे अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को, और कौन से प्रोग्राम के लिए आगे जाओगे. सो इन दैट केस देयर विल बी ट्रबल इन योर फ्यूचर एप्लीकेशन. एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसमें आपने कोई भी रिकॉर्ड सबमिट कर दिया, चेंजिंग दैट रिकॉर्ड इज रियली डिफिकल्ट. आई हैव सीन कैप्स नोट जिसमें ये लिखा था
for your visitor visa application, you displayed some other experience, and for your study visa application, you displayed some other experience, and I am refusing your application. That student was he was really lucky ki misrepresentation nahi laga. So in that case, do not make your first application casually. Do not take it casually. Try to make it your last application and try to get visa in that application only. So your first application must be your last application. That should be your mindset at least. नहीं आता सबका नहीं आएगा. We know that. अगर सभी का visa आता then there must be visa success rate of 100%. जो कि नहीं है. And do not ask for guarantee as well. People ask me about the guarantee. Guarantee मेरी family के visa की नहीं है. आपके visa की क्या दूंगा मैं? Just one thing is guaranteed, the honest effort of getting you visa is guaranteed. वही वो जो agents के हाथ में है वही है. Do not ask any agent for any guarantee. कोई भी 100% guarantee नहीं दे सकता. अगर ऐसा होता तो 100% सभी लोगों की application लगती, सभी का visa आता और सभी Canada पहुंच जाते और फिर यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, फिर सभी पहुंच जाते. So it is never guaranteed. Also वो जो LMIA ढूंढते हैं 2-3 lakh रुपए में, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अलग से. तो वो दो तीन लाख रुपए में जो LMIA ढूंढ रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू रीच कनाडा, बिकॉज यहाँ पे एक रेडी वाले के पास भी 2-3 lakh रुपए हैं, एंड अगर 3 lakh रुपए में कोई कनाडा पहुंचता है तो रेडी वाला भी जाएगा. देन नो वन वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर स्टडी वीजा एट एज 40. किसी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 20-25 lakh रुपए लगाने की जरूरत नहीं है कनाडा जाने के लिए. अगर 3 lakh रुपए आप कनाडा पहुंच सकते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. डू नॉट वेस्ट योर मनी. आई ड्यू टू माई LMIA वीडियो आई Every day I receive at least 5-7 calls on LMIA. तो कोई उसका 2-3 lakh रुपए में जो मोहाली से आपको ऑफर लेटर मिलते हैं LMIA की वो मिलती है, all those are paid. ये 2-3-4-5 lakh रुपए में आप कनाडा नहीं पहुंचने वाले हैं. आप 2-3 हजार से लेके 5 हजार से लेके 20-25-50 हजार रुपए तक, 1 lakh रुपए तक अपने खराब कर लेंगे, उसके बाद फाइल उठा के वहां से वापिस ले आएंगे, 50 हजार लाख रुपए आपके खराब हो जाएंगे. That is going to happen. So make your decisions carefully. यहाँ पे इतनी applications pending है, 1.8 million applications बहुत होती है, millions में बात कर रहे हैं. So इतनी applications pending है, do not play with your profile. I have seen many people, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि I asked someone to go for project management rather than supply chain management because supply chain management was not my first choice that time. क्योंकि उनके he was from sales background or something, retail में था, sales में था. And he wanted to go for supply chain management. He got offended. वो बोल रहा था कि I wanted to convert him from one program to another. यहाँ पे convert करने वाली बात नहीं है. Even for CBU, we are fine. वो मैंने पहले भी share किया था. So it is not about converting you. It is all about taking the best choice for you, best option for you, and going for the right choice of program. So, यहाँ पे आपके लिए राइट चॉइस क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. राइट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वही दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. शोइंग द राइट डॉक्यूमेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दी, यू कैन नॉट चेंज प्रीवियस थिंग्स. नई चीजें तो चेंज कर सकते हो, पुराना कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. आई होप वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव बिकॉज आई वॉज गेटिंग सो मेनी क्यूरीज रिलेटेड टू दैट, एंड आई वॉज फाइंडिंग प्रोफाइल्स जहाँ पे पिछले जो भी प्रोग्राम अप्लाई किया उसके साथ जॉब का या जॉब दिखाई नहीं है, ब्लैंक दिखाया है, स्पाउस वीजा एप्लीकेशन में ब्लैंक दिखाया है, एंड नाउ आफ्टर गेटिंग रिफ्यूजल वी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो वैसी सिचुएशन में इट इज नॉट हाईली रिकमेंडेड कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है प्रोफाइल में, क्लीन इट एंड देन अप्लाई फॉर वीजा, चाहे उसमें कुछ डिले हो जाए. आई होप वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव. इफ सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई विद मी, यू कैन पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर +91 98123 80882. आई वुड बी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ योर केस एज वेल. सी यू इन next video.